उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा है कि उत्तराखंड में भ्रष्ट अफसरों की नियुक्ति नियमों को ताक पर रखकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक बीसी के मिश्रा इसका उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा निगम में उनका भ्रष्टाचार चरम पर है। मनमाने तरीके से सिविल कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है। इस्पात कंपनियों पर करोड़ों रुपए का बकाया है, लेकिन आम जनता से बिजली 2,000 बकाए पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं। यह कहाँ का नियम है? उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार संबंधी जांचों को भी उनके द्वारा दबाया जा रहा है। उन्होंने मिश्रा से जुड़े तमाम भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरणों की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से एसआईटी जांच कराने की मांग की है। ये कहा जाता था कि ऊर्जा प्रदेश ही उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आधार हुआ, लेकिन ये जितनी भी ऊर्जा निगम है उन निगमों को लूट खसोट का धंधा बना दिया गया है। ये जो अभी वर्तमान में MD हैं इसके, इनकी नियुक्ति गलत है, उनके कागज़ फर्जी हैं, और जो पद विज्ञापित नहीं हुए उन पदों पर उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने झूठे कागज़ पेश किए हैं। लेकिन पिछले 7-8 साल में कोई भी कार्रवाई, चाहे पुरानी सरकार हो चाहे सरकार ने, नहीं की है। तो इन सारे प्रमाणों को देकर हम सरकार से चाहते हैं कि अगर वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है तो SIT गठित करके इस पूरे प्रकरणों की जाँच करे और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जेल भेजे, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो मालूम पड़ेगा कि ऊर्जा निगम के साथ वर्तमान सरकार की भी उसी तरह की मिलीभगत जैसे पूर्व सरकार की मिलीभगत है। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।